के लिए आमंत्रण दूंगी हमारे जो राज्य मंत्री आदरणीय सर को कि प्लीज़ सर आप मंच पर आएँ। अतुल सर, मेरा आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आएँ और सत्येंद्र जी प्लीज़ एस्कॉर्ट करके उन्हें मंच तक लाया जाए। और साथ में आशा शर्मा जी, महापौर आशा शर्मा जी, आप भी मंच पर आएँ। जी, ये आपको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। क्या खूबसूरत दृश्य है। और गुरु जी, जिनका आशीर्वाद हम सभी अभिभूत होकर तब से ले रहे हैं, और गुरु जी को मैं इतना देखती रहती हूँ लगातार, जो प्रवाह उनकी वाणी में है और जो सत्यता उनकी बातों में है ना, अद्भुत शख्सियत। आपको आमंत्रण है सर कि प्लीज़ आप आएँ, सत्येंद्र जी से आग्रह। और हाँ सर, अकेले नहीं आना है, धर्मपत्नी जी भी मंच पर आएँ। प्लीज़ मैम, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आएँ, क्योंकि आप लोगों का साथ, सहयोग, सानिध्य बेशकीमती दौलत है हम सभी के लिए। और ये जो पल है, ये बहुत खूबसूरत पल है कि अब इस समय सत्येंद्र जी की पुस्तक का विमोचन होना है। सत्येंद्र जी ने पहले भी 2 पुस्तकें लिखी हैं, मनोरमा दादीमा का खजाना और दूसरी क्षत्रिय वंश दरोहर। आज जिस पुस्तक का लोकार्पण होना है वह है भारत में स्वच्छता एवं पर्यावरण के मायने। तो उस पुस्तक को आज लोकार्पित किया जा रहा है। स्वच्छता के लिए सत्येंद्र जी पिछले कई वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं। वो नदियों के साफ करने की मुहिम को लेकर के लगातार कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण को साफ करने के लिए कार्य कर रहे हैं, और इस अनथक मेहनत में वो लेखन में भी निरंतरता में जुटे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है, आप सब भी प्लीज़ सहयोग करें, सामने आएँ। मुमताज जी, प्रवीण शुक्ल जी, आदरणीय डॉक्टर बेचैन, आदरणीय परवाज सर, आप सबसे विनम्र आग्रह है कि आप सहयोग करें। और आज एक और बहुत खूबसूरत लम्हा ये है कि पुस्तक विमोचन की बात हो रही है और हिंडन महोत्सव मनाया जा रहा है। तो हिंडन पर ही लिखी गई बहुत ही कमाल की एक और पुस्तक है, हिंडन बचाओ जीवन बचाओ। और ये जो है इंद्रप्रसाद अकेला जी, बहुत कमाल के साहित्यकार रहे हमारे गाज़ियाबाद के, अभी हमारे बीच नहीं हैं। उनकी स्मृति हम ज़रूर करना चाहेंगे, उन्हें स्मरण करना चाहेंगे, उनकी पुस्तक है। और साथ ही विमोचन हो रहा है सत्येंद्र जी की पुस्तक का, भारत में स्वच्छता एवं पर्यावरण के मायने। मायने समझना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि इस मर्म तक पहुंचा जाए कि असल में पर्यावरण है क्या। तो वही बारीक जानकारी जुटा करके इन्होंने पुस्तक की है। जी, आदरणीय कृष्णवीर सिरोही जी, पूर्व विधायक हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय कृष्णवीर सिरोही सर, प्लीज सर, प्लीज आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, आप प्लीज मंच पर आए। जी, तालियां कम पड़ रही हैं, जोरदार तालियां कैसी होती हैं। बच्चों, पीछे जो बैठे हो बच्चों, मैं कंपटीशन करवा दूंगी, वरना जोरदार तालियां बजा के दिखाओ जैसे सुबह बजाई थी। क्या बात है, बहुत ही कमाल का लम्हा है ये, बहुत ही कमाल का समय है ये, बहुत बेहतरीन पल हैं जिन्हें संजो कर रखना चाहिए हमेशा के लिए अपने पास। और सत्येंद्र जी की पुस्तक जो है आज सभी के हाथों में है। सत्येंद्र जी पर्यावरण के लिए इतना कार्य कर रहे हैं कि मैं मतलब देख करके सोचती हूँ कि वास्तव में प्रकृति का ऋण तो यही उतार रहे हैं हम सब। जिस तरह से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं लगातार, ऐसे समय में सत्येंद्र जी की कोशिश वाकई लाजवाब है। बहुत ही कमाल काम कर रहे हैं सत्येंद्र जी। अच्छा, आदरणीय अतुल सर से मेरा आग्रह है कि वो आशीर्वचन हम सभी को ज़रूर, अपना आशीर्वाद दें, और मैं तालियों की गुजारिश आप सभी से करूँगी।